लोकसभा चुनाव से पहले चौंकाने वाला सर्वे आया सामने। जानिए जनता ने किसे चुना। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 का शोर सुनाई देने लगा है। सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नामों पर मंथन जारी है। इसे लेकर मौजूदा सांसदों और उम्मीदवारों को लेकर सर्वे का काम भी चल रहा है। ऐसे ही एक सर्वे में 12 राज्यों की 258 लोकसभा सीटों पर लोगों से पूछा गया कि वो अपनी सीट पर किस पार्टी से किसे बेहतर उम्मीदवार मानते हैं। 11 लाख से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इस सर्वे में देश के साथ साथ बिहार को लेकर कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। कई सीटों पर बड़े चेहरों को लोगों ने नकार दिया, जबकि कई जगहों पर वाइल्ड कार्ड एंट्री वाले कैंडिडेट मौजूदा सांसदों पर भारी दिखे। दैनिक भास्कर अखबार के सर्वे में 14 बड़े चेहरे ऐसे भी उभर कर सामने आए जो अपनी सीट पर जनता की एक तरफा पसंद है। 75% से ज्यादा लोग उन्हें ही उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहते हैं। उनकी पार्टी का बेस्ट उम्मीदवार माना है। 14 सीटों पर सबसे ज्यादा पसंद किए गए उम्मीदवारों में बिहार की बात करें तो जेडीयू के संजय झा को दरभंगा में 80% लोगों ने अपना चहेता उम्मीदवार बताया। चिराग पासवान को हाजीपुर में 78 तो जमुई में 76% वोट मिले। आरा से सांसद और केंद्रीय मंत्री आर के सिंह को 76% लोगों ने बेस्ट बताया। जमशेदपुर के 76% लोगों ने डॉक्टर अजय कुमार को अपना पसंदीदा उम्मीदवार बताया। 92% के साथ सबसे टॉप रहे गांधीनगर से सांसद और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वाराणसी के 86% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट दिया। इसके अलावा 75% से ज्यादा वोट पाने वालों में दीपेंद्र हुड्डा, धर्मेंद्र यादव, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, अनु टंडन, डिंपल यादव, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, आनंद भदौरिया और राजा रामपाल शामिल रहे। इसके अलावा 41 सीटें ऐसी थी जहां जनता ने स्थापित चेहरों को एकदम से नकार दिया। 50% से ज्यादा लोगों ने उम्मीदवारों की लिस्ट में अन्य को चुना, साथ ही अपनी पसंद का कोई नाम भी नहीं लिखा। अखबार का दावा है कि लोकसभा की 543 सीटों में से करीब 48% सीटों पर लोगों के मूड के बारे में जानकारी मिली। लोगों के सामने टिकट की दावेदारी कर रहे नामचीन और स्थापित नाम रखे गए थे। इसके अलावा विकल्प था कि इन्हें खारिज कर दूसरे ऑप्शन को भी चुन सकते हैं, अपनी पसंद का कोई नाम लिख सकते हैं। इसमें शामिल 258 में से 43 सीटों पर 50% से ज्यादा लोगों ने स्थापित चेहरों की जगह अन्य का ऑप्शन चुना। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।